हम पाकिस्तानी हैं, हुकूमत हमें भी रहने के लिए घर फराहम करे। ये अल्फाज शादमान के इलाके में जुगी में रिहाइश पजीर खातून रुखसाना के हैं। सड़क किनारे कपड़े धोती रुखसाना अपनी जिंदगी से उकताई नजर आती है। इसके पास सर छुपाने के लिए मुस्तकिल ठिकाना है, ना बच्चों को खिलाने के लिए खाना। कुछ मिल गया तो रूखा सूखा खा लिया, वरना फाकों की तो वो आदी हो गई है। मानसून सीजन में अब इसकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आसमान जब भी बरसा तो जिंदगी मजीद कठिन हो गई। रुखसाना की एक ही ख्वाहिश और हुकूमत से मुतालबा है कि इसे रहने के लिए मुस्तकिल छत फराम कर दी जाए। सानू कोई जगह देवन, घर देवन। असि भी पाकिस्तानी हैं, असि कोई गैर मुल्की नहीं हैं, असि भी इधर रहने हैं। सानू कोई जगह देवन, असि भी इधर रहिए। झुग्गियों में रहने वाले दूसरे खानाबदोशों के हालात रुखसाना से मुख्तलिफ नहीं हैं। एक और खानाबदोश खानदान के वाहिद कफील अकरम का कहना है कि वो खानदान का पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम करता है। इसने हुकूमत से अपील की है कि इनके रोजगार के लिए हुकूमत खातरख्वाह इकदामात करे। हमारे लिए भी सोचा ना, हमें भी घर दे, हम इधर फुट पैर से जवाना बच्चिया है, जवाना बहने हैं, तो इधर बच्चे लाके हम रोड पर रहते हैं। असि इतने रहने, सारे बंदोबस्त कोई भी नहीं सोचता, तो बच्चे बाहर भेज रहे जो मर्जी हो रहा, ना गुमदाद कर रहा ना कुछ कर रहा, जेड़ा केड़ा भी आ रहा है इस तरह करके चला जाता, कोई चक्कर नहीं किसी गल का। मैले कुचैले कपड़े पहने खाना बदोशों के बच्चे इस माहौल में भी खुश रहने की जुस्तजू कर रहे हैं। अच्छी तालीम और तरबियत का तो शायद उन्होंने कभी ख्वाब भी ना देखा हो, लेकिन इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीमों की जानिब से भी इनके हालात में बेहतरी के लिए कोई कोशिशें नहीं की गयी। झुग्गियों में रहने वाले ये खाना बदोश हमारे मुआशरे का हिस्सा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कम आमदनी वाले तबके के लिए आशियाना स्कीम का ऐलान किया गया है, वहीं ये खाना बदोश तबका भी हुकूमत से मदद का तलबगार है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ आसिम भट्ट, सिटी 42।